हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये चार रंग से बहुत ही सुंदर सा डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। आप इसे डोरमेट भी बना सकते हो, टेबल मैट बना सकते हो, पूजा का आसन भी बना सकते हो। उसके लिए देखिए, मैंने ये जो मेरे पास वेस्ट पड़ी थी चुन्नी, ये देखिए, आपके पास चुन्नी हो, साड़ी हो, कोई भी आप ऐसे कपड़े की पट्टी आप ऐसे बना लीजिए। कपड़े की पट्टी बनाने के बाद ऐसे आप इसको रोल रोल कर लीजिए। और इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 7 नंबर की नीडल्स का मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे में बिल्कुल ही आपको इसमें सिंपल तरीके के फंदे आपको बताऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक यहाँ पे नोट लगा लेंगे। एक फंदा हमारा नोट से हो गया। और ये देखिए, 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से मैं इसमें 25 फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, 25 फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल लिए हैं। 25 फंदे डालने के बाद ये देखिए, ये रो इसमें मैं बिल्कुल आराम से बनाऊंगी। जब इस तरीके के फंदे डालते हैं फ्रेंड्स, तो हम बिल्कुल ही फर्स्ट रो बहुत ही आराम से हम इसको बनाएंगे, नहीं तो बीच में, दोनों फंदों के बीच में हमारा गैप बन जाएगा। देखिए, ये बेसिक रो है हमारी। बाकी जैसे आपको फंदे डालने आते हो आप वैसे भी डालिएगा। ये बिगनर्स के लिए मैंने सबसे आसान तरीके के फंदे बताए हैं। देखिए, जिसकी हमने नोट लगाई थी उसको भी हम बना लेंगे। ये देखिए, इस साइड से भी फ्रेंड्स हम इसको, क्योंकि हमारी सीधी साइड है, इसको इसमें इस लपेट लेंगे। और ये रो भी मैं ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँ। ये देखिए, सीधी साइड से भी हमने बना लिया है, पलट लेंगे। अब देखिए, यहाँ से फ्रेंड्स मैं इसमें एक और कलर इसमें मैं ऐड करूँगी। आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी आप इसमें कलर लगाइएगा। इस पट्टी को भी मैं इसी के अंदर लपेट लूँगी। ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको डिज़ाइन डालना है तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, और मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए, बिगनर्स भी अच्छे से बना लें। ये देखिए, और 3 फंदे लास्ट में मैं इसमें छोड़ दूंगी। देखिए, 1 2 3, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से इस रो को मैं उल्टा उल्टा बना के इसे मैं कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, एक कलर से मैंने 2 रो उतार लिए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, और ये जो नीचे वाला है इसको आप ऐसे ऊपर कर लीजिए थ्रेड को। ये देखिए, आगे से हमने यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, हमने नीचे की साइड में 3 3 फंदे छोड़े हैं।
ये देखिए तीन फंदे मैंने फिर से छोड़ दिए और मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी। राइट साइड से इस रो को मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूंगी। देखिए ये मैंने इसकी चार रो बना ली हैं। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमें पीछे फंदे छोड़े थे, अब हम नीचे का नहीं बनाएंगे, अब हम यहाँ ऊपर ऊपर का बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए रेड से हम बनाएंगे। तो देखिए एक फंदा बना लिया, यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे। तो आप इस तरीके से भी फंदा बढ़ा सकते हो। फंदे बढ़ाने के फ्रेंड्स कई तरीके हैं। ये देखिए हम एक बार ऐसे बना देंगे और एक बार हम इसको ऐसे बना देंगे। दो फंदे हमारे बढ़ गए, एक फंदा हम आगे से ले लेंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक फंदा हमने पीछे से इसमें अब ऐड करना है। ये देखिए फिर से फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ाने का तरीका ये है फ्रेंड्स, देखिए ये सबसे आसान तरीका है बिगनर्स के लिए। ऐसे लपेट लिया निडल पे, ये देखिए ऐसे लपेट लिया और हम इसको ऐसे बना देंगे। ये देखिए ये पहले हमारे चार थे, एक हम आगे से और ले लेंगे क्योंकि एक कलर से हम चार चार रो बनाएंगे। ये देखिए एक एक फंदा हम ऐसे ऐड कर लेंगे। बहुत सिंपल डिजाइन है और बहुत प्यारा डिजाइन है। ये देखिए पलट लेंगे, फिर से देखिए इस कलर को पीछे कर देंगे, इस कलर से बनाएंगे। ऐसे आप फंदा इसमें बढ़ा लीजिए या आप इसको ऐसे बना के यहाँ से भी आप इसमें फंदा बढ़ा सकते हो। ये देखिए इसको हम ऐसे बना देंगे। एक फंदे के दो फंदे बना लिए हमने। देखिए हर बार आपने एक एक फंदा इस साइड बढ़ाना है और पीछे से एक एक फंदा ही हमने इसमें ऐड करना है और एक कलर से हम इसमें चार चार रो बनाएंगे। ये देखिए बड़े हुए फंदे को भी हमने बना लिया, ऐसे हम इसको बना लेंगे। ये देखिए अब ये देखिए फ्रेंड्स, दो रो हमने बना ली हैं, दो रो और बनाएंगे हम इसी से। ये देखिए लपेट लिया, एक फंदा हमने बढ़ा लिया और इस रेड वाले को आप ऐसे ऊपर लेके आइएगा अगली रो में, ताकि हमारा ये पट्टी ऊपर ही हमें मिल जाए, नीचे से ऊपर लंबी ना छूटे। और ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया, एक फंदा हम आगे से इसमें और ऐड कर लेंगे। एक एक फंदा ही आपने ऐड करना है, एक यहाँ से ऐड करेंगे और एक हमारा आगे से बढ़ जाएगा। हर रो में हमारे दो फंदे इसमें बढ़ जाएंगे। ये देखिए चौथी रो है ये इस कलर की। अब फिर से हम इसमें अपना कलर चेंज कर लेंगे। देखिए एक दो दो हमारी लाइन बन गई हैं। अब फिर से पलट लेंगे, अब हम इसमें रेड लगाएंगे। इसी तरीके से आपने कलर चेंज करना है, इसको पीछे कर लेंगे। और ये देखिए लपेट लिया, एक फंदा हमने बढ़ा लिया। बहुत इजी तरीका है ये फंदा बढ़ाने का। ये देखिए एक फंदा आगे से बढ़ा लिया, एक हम पीछे से ले लेंगे। इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। पीछे हमारे जितने भी फंदे हैं हम सारे इसमें ऐसे ऐड कर लेंगे। ये देखिए एक हमने और ऐड कर लिया और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये देखिए तो एक एक करके फ्रेंड्स हम ये यहाँ तक, जहाँ तक हमने फंदे छोड़ रखे हैं, इससे ऊपर ऊपर के सारे फंदे हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसको ऊपर तक बनाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। चार रो उतारने के बाद फिर से हम इसमें कलर चेंज करेंगे।
अब जैसे मैंने अभी ये बनाई है, दो रो मेरी ये बन गई है रेड से, दो रो मैं और बनाऊंगी, फिर मैं ये दूसरा कलर इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमारी इसकी शेप आएगी। अभी हम इसी से बनाएंगे, लपेट लिया, एक और फंदा हमने बढ़ा लिया और इस पट्टी को आप ऐसे ऊपर कर लेना। ये देखिए फिर से हम पीछे से एक फंदा ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, लास्ट तक नीचे तक एक एक फंदा ऐड करती रहूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी आगे हमें क्या करना है। एक फंदा और हमने इसमें ऐड कर लिया, ये देखिए। तो मैं इसे यहाँ तक उठा लेती हूँ सारे फंदे के करके, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने एक एक करके सारे फंदे इसमें ले लिए हैं। ये जो हमने फंदे छोड़े थे वो फंदे हमारे ये बचे हुए हैं, ये देखिए। अब ये जो हमारी नीचे लाइन है, ये लाइन से लाइन हमने यहाँ पे ऊपर मिलानी है, ये देखिए। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे 17 फंदे हमारे बढ़ गए, 25 फंदे डाले थे, 17 फंदे हमने इसमें बढ़ा लिए। अब देखिए, अब ऊपर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं फंदा घटाएंगे। रेड की मेरी 4 रो बन गई, तो मैं दूसरे कलर से, जो भी आपने कलर लगाया हो उससे आप ऐसे ही बनाइएगा सिंपल। इस डिज़ाइन में फ्रेंड्स हम जब ये दो कली बनाते हैं तो हमारी ये एक कली कंप्लीट होती है। फंदे हमारे बढ़ गए हैं, लेकिन अगर आप ऐसे देखो तो कली हमारी ये पूरी हो गई है, लेकिन अभी ये हमारी पूरी नहीं हुई है। अभी हम ये सारे फंदे फिर से घटाएंगे, तब हमारा ये एक फ्लावर बन के कम्प्लीट होगा। अब पीछे के फंदे भी हम सिंपल बनाएंगे, बिल्कुल आगे से कुछ नहीं करेंगे, पीछे से हम 3-3 फंदे इसमें ऐड कर लेंगे ताकि हमारी लाइन से लाइन मिल जाए। देखिए अगर आप बड़ा बनाओ तो 4-4 फंदे आप इसमें ऐड करिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये 1-2, ये 3 फंदे मैंने इसमें ले लिए हैं और मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी। ये देखिए, ये दो लाइन है मेरी, ये एक लाइन इसमें ये ऐड हो गई है। सीधी साइड से इस रो को मैं कंप्लीट करूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप साड़ी और चुन्नी से बनाएंगे तो आप इसमें ज्वाइंट कैसे लगाएंगे वो भी आप एक बार देख लीजिए। ऐसे जब इतनी बड़ी आपकी पट्टी रह जाए, ऐसे आप पट्टी को खोलिएगा और दूसरी पट्टी ऐसे इसके अंदर रख के ऐसे रोल रोल कर देना, ऐसे आपका ज्वाइंट लग जाएगा। जब हम साड़ी और चुन्नी से बनाते हैं तो हमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम अपना इसमें ज्वाइंट लगा लेते हैं। तो पूरी रो में ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, इस साइड से पूरी रो मैंने उतार ली है और ये 3 फंदे फिर से मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखिए 3 फंदे हमारे बच गए हैं। राइट साइड से इस रो को मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए सीधी साइड से ये 4 रो हमारे इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए लास्ट में 3 फंदे मेरे ये बचे हुए हैं और ये देखिए लास्ट वाली लाइन हम ये बनाएंगे, तो इसको हम अंदर कर लेंगे और इससे बनाएंगे। ये पूरी रो में नीचे तक बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए नीचे तक आ गई हूँ मैं, ये 3 फंदे भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। राइट साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए ये रो कंप्लीट करूँगी। ये देखिए पूरा हमारा ये इस तरह से हमारे इस फ्लावर की लुक आई है। तो ये पूरी रो में यहाँ तक उतार लेती हूँ।
ये देखिए सारे फंदे हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। इस तरह से इस फ्लावर की लुक आई है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक हमारी ये कली कंप्लीट हो गई है। तो जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे, अब ये फंदे हम एक बार सारे घटाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अभी हम रेड से ही बनाएंगे। ये देखिए दो का एक कर दिया, यहाँ पे एक करेंगे। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पट्टी छोटी है तो मैं इसमें जॉइंट लगा लेती हूँ। ये देखिए दो का एक किया, एक फंदा घटा लिया। ध्यान से देखिए, ये देखिए दो, तीन, चार, ध्यान से देखिए, पांच, इसको ऐसे आगे रखिए, देखिए छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, और ये एक और घटा देंगे, चौदह। एक बार हम ये देखिए, इस तरह से हमने सारे फंदे ये घटा दिए। अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, बीस हो गए हमारे। और ये आगे पांच फंदे और 25 फंदे हमने डाले थे, और 25 फंदे हमारे ये वापस हो गए। अब देखिए, जैसे हमने चार चार रो बनाई हैं एक कलर से, ऐसे ही हम इसमें ये रो कंप्लीट बनाएंगे। ये देखिए, ये पूरी रो मैं कंप्लीट करूंगी। ये देखिए सीधी साइड से भी इस रो को मैं यहाँ तक बनाऊंगी। तो फिर हमारी जैसे दो लाइन है, यहाँ पे भी ऐसी ये हमारी दो लाइन बन के कम्प्लीट हो जाएंगी। ये देखिए, तो मैं इस रो को कम्प्लीट करूँगी। ये देखिए सीधी साइड से मैंने इसे बना के कम्प्लीट कर लिया है। अब देखिए चार रो हमारी बन गई हैं। अब फिर से मैं इसमें कलर चेंज करूँगी। दो दो कली मैंने इसमें एक जैसी बनाई हैं। आप चाहो तो इसमें अलग अलग कलर भी अलग अलग कलर से बना सकते हो। देखिए ये पूरी रो में नीचे तक बनाऊंगी। दूसरी कली की हमने स्टार्टिंग कर दी है, जैसे हमने पहली बनाई थी। आगे से हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, लेकिन लास्ट में हम तीन फंदे फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए तीन फंदे छोड़ दिए और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। पूरी रो में ये बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए दूसरी कली की स्टार्टिंग फ्रेंड्स कर ली हमने। तीन फंदे छोड़ दिए हैं, इसकी एक रो हम और उतारेंगे और तीन फंदे फिर से छोड़ देंगे। और फिर हम जैसे नीचे लगाया था हमने रेड कलर लगाएंगे, फिर हम आगे से बनाना इसको स्टार्ट करेंगे। यहीं से बनाएंगे और यहीं से मुड़ जाएंगे। एक एक फंदा हम इसमें ऐड करते हुए एंड तक जाएंगे। जैसे बिल्कुल सेम हमने ये नीचे बनाया है, ऐसा ही फ्लावर आपने सेम ऐसे ही बनाना है। दो फ्लावर एक जैसे मैंने बनाए हैं, फिर जब तीसरा फ्लावर बनाओगे, तीसरा और चौथा आप एक जैसे बना लेना, और पाँचवा और छठा आप एक जैसे बना लीजिए। तो और आप अलग अलग भी बना सकते हो, ये अलग, इससे अगला
दूसरे कलर का आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है जैसे आप इसे बनाइएगा। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लुक कैसी आई है। सेम इसी तरीके से आपने इसको बनाते जाना है। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने बना के इसे कंप्लीट कर लिया है, बहुत सुंदर इसकी लुक आई है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके बताना आपको डिज़ाइन कैसा लगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।